हेलो दोस्तों, आज मैं टमाटर की खट्टी मीठी चटनी बनाऊंगी। आजकल टमाटर ठंडियों में देसी टमाटर एकदम बिल्कुल रेड रेड बाजार में मिल रहा है। इसका मन करता है कितना सारा रेसिपी बना लूँ। इतना प्यारा ये टमाटर दिखता है ना कि मैं आपसे क्या बताऊँ। आज खट्टी मीठी चटनी बनाऊंगी, बहुत ही गजब का स्वाद आता है इस चटनी से। और ये और तो और ये चटनी में खास बात ये है ना कि आप एक बार बनाएंगे तो महीनों दिन तक ये चटनी को आराम से खा सकते हैं, खराब होने का टेंशन नहीं होता है। तो देखिए, 1 केजी मेरा ये टमाटर है, इसे हम धुल लिए। टमाटर को अच्छी से एकदम पतला पतला स्लाइस में काट ली हूँ। उसके पीछे का जो पार्ट होता है ना टाइट वाला, उसे निकाल देना है, नहीं तो ये चटनी अच्छा नहीं लगेगा। और पीछे वाला पार्ट जो होता है ना, गलने में थोड़ा सा टाइम लेता है। ये टमाटर देखिए बिल्कुल एकदम रेड रेड है, बहुत ही गजब का ये सुंदर टमाटर मेरा था, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। ये चटनी इतनी टेस्टी लगती है ना कि मैं टमाटर जब भी देखती हूँ तो मेरा मन करने लगता है कि खट्टी मीठी चटनी बनाओ। और ये चटनी किसी भी चीज़ से आप इंजॉय कर सकते हैं, इतना टेस्टी लगता है। तो सारे टमाटर को हम बारीक तरीके से काट लिए हैं। अब कढ़ाई रखेंगे, इसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे। तेल ज़्यादा इसमें नहीं लगता है, बहुत ही कम मात्रा में लगता है, क्योंकि इसमें जो हम फोरन डालेंगे ना, उसी को जलाने के लिए बस तेल का ज़रूरत पड़ता है। 1 चम्मच जीरा डालेंगे और 2 तेज़पत्ता डालेंगे। और हाँ, इसमें मिर्च सूखी ही चाहिए, हरी मिर्च से ये चटनी अच्छा नहीं लगेगा। इसमें सूखा मिर्च चाहिए, ये साबुत सूखा मिर्च है 4 से 5, क्योंकि टमाटर खट्टा होता है तो इसमें मिर्च का मात्रा थोड़ा सा अधिक चाहिए। तो जीरा और मिर्च, तेजपत्ता अच्छे से चटक गया है। अब ये जो हम टमाटर काट के रखे हैं ना, इसे हम डाल लेंगे इसमें। इसे डालकर अच्छे से चला लेंगे, बढ़िया से चला के, और इसे ढक्कन लगा देंगे। जब तक ये टमाटर मेरा गले नहीं, जब तक इसका पानी अच्छे से सूख न जाए, एकदम नहीं सुखाना है, पर थोड़ा कम हो जाए। और आधा चम्मच नमक डालेंगे। नमक बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। आधा चम्मच नमक डालने के बाद हम इसे अच्छे से चला लेंगे। और हाँ, थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर भी पड़ता है, थोड़ा हल्दी पाउडर डाल देंगे। और अच्छे से सॉफ्ट होने तक इसे पकाएंगे, एकदम बढ़िया से इसका पानी सूख जाए। एकदम से नहीं सुखाना है, पर तो एकदम सूख भी जाए, थोड़ा थोड़ा गीला रहे। देखिए एकदम बढ़िया ये सूख रहा है। अब थोड़ा सा हल्दी पाउडर इसमें डाल देंगे, और हल्दी पाउडर को भी अच्छे से मिलाकर और थोड़े देर के लिए ढक्कन लगा देंगे। इसमें डालेंगे हम ब्राउन शुगर, अगर आपके पास गुड़ हो तो गुड़ भी डाल सकते हैं। ये देखिए, ये मेरा ब्राउन शुगर है। ये शुगर के लिए भी फायदेमंद होता है, सेहत के लिए सही होता है ये खाना। अगर आपके पास हो तो डालें, नहीं तो इसके जगह पे गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो वाइट शुगर भी डाल सकते हैं। और चीनी डालने के बाद एकदम बढ़िया से चला के इसको, चीनी को मेल्ट होने तक पका लेना है। और टमाटर तो मेरा पहले से सॉफ्ट हो ही चुका है। ये देखिए चटनी का लुक कितना प्यारा और कितना परफेक्ट ये चटनी दिख रहा है मेरा। ये चटनी देख के मुंह में पानी आ जाता है, इतना टेस्टी ये चटनी बनकर के रेडी होता है। आप भी एक बार ज़रूर इस चटनी को बनाइए इस ठंडी में, और किसी भी पूड़ी पराठा किसी भी चीज़ से खाइए। अगर पूड़ी पराठा से नहीं खा सकते, ऐसे भी इस चटनी को एंजॉय कर सकते हैं, इतना काफ़ी टेस्टी लगता है। अभी चटनी मेरा एकदम परफेक्ट बन करके रेडी हो चुका है। अब हम गैस को कर देंगे बंद, और गैस से इस चटनी को उतार लेंगे, थोड़ा ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद ही इस चटनी को सर्व करेंगे, नहीं तो बहुत ही तेजी से ये गर्म होता है। खाने के बाद तो मन एकदम तरोताजा हो जाता है। आप भी इस चटनी को एंजॉय कीजिए। और हाँ, अगर चटनी मेरा पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इस चटनी को आप मटर का पूड़ी के संग खाइए, बहुत ही मज़ा आ जाता है। थैंक यू, बाय।